नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें माफी चाहते हैं कल का सेशन आप लोगों के साथ कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी वॉइस डिस्टरबेंस हो रही थी लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वॉइस प्रॉपर आ रही होगी और किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आज का सेशन आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इसी के साथ आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और आप लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जैसे कि रिसेंट ए आपका टेस्टरी स्टार्ट हुई है एफ रिवीजन कोर्स स्टार्ट हुआ है तो आप उसके लिए नीचे दिए गए जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन इसमें कल कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया था लेकिन कल की वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है इसलिए मैं एक बार से उन क्वेश्चन को दिखाना चाहूंगा और एक बार से फिर से उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा पांच मिनट में जो दो तीन क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन करने का काम करेंगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ था एक क्वेश्चन था विच इज द फार्म ऑपरेशन फॉर विच पावर टीलर इज मोस्ट शूटेबल कि पावर टेलर जो है इनमें से किस पर्टिकुलर फार्मिंग ऑपरेशन के साथ ज्यादातर यूज किया जाता है

अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो हमने कल डिस्कस किया था वो आपका था डाइटरी फाइबर के बारे में डायट्री फाइबर जो कंटेंट है मिलेट्स के अंदर वो मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्मली जो होता है वो आपका 15 टू 20 या 15 टू 30 परसेंट आपका होता है लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने बताया था कि अभी रिसेंट जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेस हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर इसको काफ़ी देखा जा रहा है तो उस रिस्पेक्टिव अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ भी जाता है तो फिर उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी होगा ठीक है लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो पंद्रह

डिराइड फ्रॉम द यूनियन ऑफ गैमिट्स ऑफ डिसमिलर जेनेटिकारा क्या था और उसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला यहां पर क्वेश्चन था दंगस एस्केरोसोनिया इज ए टारगेटेड एज ए माइको इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट विच इंसेक्ट तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन जो था इसके अंदर आपका पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फंगस है जो कि यहां पर आपके एज ए इंसेक्टी साइड का काम करती है माइको का इंसेक्टिसाइड का काम करती है यानी कि ऐसी फंगस जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो यहां पर इस फंगस का नाम बताया गया है इस फंगस को हम लोग किस पर्टिकुलर इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं तो कैस्टर सेमिलूपर होगा स्पिटल बग होगा व्हाइट गर्ब होगा कॉर्न बोरर हो

ए, एनिसो प्ली है ये आपके ऐसी दो फंगस है जिनको सबसे पहले आपका एज ए एंटोपैथोजेनिक फंगस यूज किया गया था और इसके बाद में इनको जो है प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया के अंदर आ, या फिर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो आपके हेमिप्टेरा कोलियोप्टेरा लेपिडोप्टेराइसोनोप्टेरा और ऑर्थोप्टेरा इन सभी ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स है इनको कंट्रोल करने के लिए इनको काफी जो है आपका आ, हद तक यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में ठीक है तो आप इनके बारे में जरूर याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि जो एक फंगस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि, कि किस प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या किस ऑर्डर के जो आपके इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में मोस्ट कॉमन है ये तो इसलिए यहां पर इनके बारे में तुम लोग याद कर सकते हो ठीक है जी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका जो अगला यहां पर क्वेश्चन जो हमने आज स्टार्ट करना है वो आपका ये क्वेश्चन है तो आपके जो पहले तीन चार क्वेश्चन थे उनको बताने का काम इसलिए किया क्योंकि आप लोग जब जो, जो खासकर नए बच्चे आए हैं तो उनको वो क्वेश्चन भी मिल सके और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपको इतना बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में छोड़कर आपका गए थे तो आज आप इस क्वेश्चन के अंदर आंसर करिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन है कि सक्सेसफुल ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन कि यहां पर जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसकी सक्सेसनेस किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका रेन वाटर कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा मल्चिंग के ऊपर डिपेंड करेगा या इनमें से कोई भी नहीं तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कि इसमें से आपका यहां पर जो ड्राई एग्रीकल्चर है वो सक्सेसफुली किसकी ऊपर डिपेंड करने वाला है कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया देखो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है ऐसा एरिया होता है जहां पर बारिश बहुत कम होती है ठीक है तो अगर हम प्रस्पेक्टिवली बात करें तो आपको देखने से लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन ही यहां पर क्या है शूटेबल है और इनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी यहां पर क्या होना चाहिए था हम लोग सोच रहे होंगे कि ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था वो बात आपकी बिल्कुल सही है अगर क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा भी गया है तो हम लोग इसमें से क्या आपका मोस्ट शूटेबल आंसर लगा सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा तो अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर करने की कोशिश की है जैसे कि अनिल ने बी किया है वेरी गुड अर्जुन ने मलचिंग किया है अभय माली ने बी बी किया है अमन भारती बी विनायक ए योगेश बी शरणजीत ने बी ए किया है शिवहर ने एक किया है आ, फ्यूल स्वर साहू ने भी बी किया है महिंद्रा मलचिंग योगेश बी नेहा ए हृदयपाल पवार सी अक्षय सी विनायक ए विनायक ए, विनायक ए और अक्षय ने भी सी किया है देखिए अब अगर हम बात करें तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना कि हमारा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है तो एक ऐसा रीजन होता है जहां पर आपका इवेपो ट्रांसप्रेशन जो है वो आपका एक्सीड करता है विद रिस्पेक्ट टू आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि यहां पर प्रेसिपिटेशन कम होता है और इवेपो ट्रांसपिटेशन आपका क्या होता है ज्यादा होता है तो इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका मॉइस्चर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है जो हमारे पास अवेलेबल मॉइस्चर है उसको बचाना बहुत जरूरी है तो यहां पर आपका जितना भी पानी आएगा डेफिनेटली उसको हमें रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना रेन वाटर को कंजर्वेशन करना जरूरी था दूसरी बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर भी आपका जरूरी था यानी कि जो बारिश का पानी है उसको यूटिलाइजेशन भी हो सके और मल्चिंग मल्चिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हमारे सॉइल वाटर को कंजर्व करने में क्या करती है हेल्प करती है तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर रेन वाटर कंजर्वेशन जो है वो आपका एक सूटेबल ऑप्शन इसलिए नहीं जाएगा कि यहां पर देखो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो रेन वाटर ही अकेला नहीं है वहां पर आप लोग जो है, में नहीं है कि बारिश आएगी क्योंकि बाकी तो जो आपका फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पर आ, आपका जो कुएं है उनके द्वारा जो पानी निकाला जाएगा या फिर वहां पर आपका जो ट्यूबवेल का सोर्स है क्योंकि ऐसे भी तो हो सकते हैं नॉर्मली आपका ड्राइलैंड एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पानी बहुत कम होता है बारिश की फॉर्म में जो वाटर आता है बहुत कम होता है

को चूज करना पड़ेगा नेक्स्ट आपका यहां पर क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि डैश रेफर्स टू कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन अमंग द इंटरक्रॉप इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम मतलब यहां पर क्या है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो रिप्रेजेंट भी किस प्रकार से कर रहा है कि इंटरक्रॉप जो आपकी है उनके अंदर जो स्पेस और टाइम अवेलेबल है क्या है आपका एक स्पेस और टाइम अवेलेबल है उनके लिए वहां पर प्रॉपर आपका कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रेक्शन किस केस में देखने को मिलेगा मल्टीपल क्रॉपिंग में देखने को मिलेगा सिम में देखने को मिलेगा एलोपैथी में देखने को मिलेगा या आपका एनिडेशन में देखने को मिलेगा तो देखो आप लोग जानते होंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग एक आपकी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप को पर ईयर में आपका पर जो आपका यूनिट लैंड है उसमें ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं ये हमारा क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिम क्या होता है सिम भी एक प्रकार से ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर एक दूसरे को क्या होता है म्यूचुअल बेनिफिट होता है ठीक है लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एलोपैथी एलोपैथी में क्या होता है इसके अंदर आपका देखो सिम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन यहां पर आपका जो प्लांट का कॉम्प्लीमेंट्री इंडक्शन की बात की जा रही है और वो भी स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग तो अब दूसरा यहाँ पर आपका एल्लोपैथी क्या होता है एलोपैथी होती है, आपका रखता है. तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ प्लांट क्या होते हैं उनका जो रेजिड्यू होता है वो रेजिड्यू में कुछ इस प्रकार के केमिकल प्रेजेंट होते हैं कि जिसकी वजह से नेक्स्ट क्रॉप जो है उसके अंदर सीड या जर्मिनेट नहीं हो पाती या फिर क्या होता है कि कई बार दो क्रॉप यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप प्लांट है और एक

और एक आपका यहां पर होता है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग तो जो पैरल मल्टीपल क्रॉपिंग है और सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग है क्या डिफरेंस है देखो मल्टीपल क्रॉपिंग में प्रेजेंट टाइम में जो आप लोग इंटर क्रॉपिंग करते हो उसकी बात की जाती है और जो हमारा सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग होता है ये है ये रिप्रेजेंट करता कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद आपका दूसरी क्रॉप को ग्रो करवाना क्योंकि एक साल में दो या दो से ज्यादा क्रॉप को इस प्रकार से भी तो ग्रो करवा सकते हो आप लोग तो यहां पर ये दो प्रकार का मल्टीपल क्रॉपिंग होता है लेकिन जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रेक्शन शो किया जाता है वो इंटर में शो किया जाता है तो इसलिए यहां पर याद रखना कि आपका जो ये प्लांट है यहां पर क्या पैरल इंटरक्रॉपिंग के अंदर तो उसमें आपका इंटरक्रॉपिंग में दो प्लांट को जब ग्रो करवाएंगे तो उन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ बनता है, और को अब को कैसे बनेगा तो सिंपल सी बात है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या किया एक ऐसी को ग्रो करवा दिया, जिसकी जो आपकी ग्रोथ है या वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो बहुत होने वाली है और दूसरी ऐसी कम है अब यहां अगर हम बात करें

नेक्स्ट आपका यहां पर क्वेश्चन है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा क्वेश्चन क्या है बैगिंग इज डन टू कि बैगिंग जो प्रोसेस करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं क्या आपका क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए या आपका सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए या हम इसके अंदर अचीव द डिजायर्ड पोलिनेशन या प्रोटेक्ट द कंटेमिनेशन फ्रॉम द फॉरन पोलन कि आपका यहां पर जो आपका फॉरन uh, पोलन आता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको जो है क्या करते हैं बैगिंग करते हैं तो कम हम जल्दी से बताइए कि आंसर यहां पर क्या होगा वेरी गुड हाँ, क्योंकि मस्टर्ड प्लांट को अगर आप यूकिलिप्टस के अंडर में ग्रो करवाते हो तो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है क्योंकि देखो यूकिलिप्टिस के जो लीफ होते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से मस्टर्ड का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा तो इस वजह से हम लोग मस्टर्ड को यूकलिप्ट के अंदर ग्रो नहीं करवाते हैं ठीक है ऑन <coughs> अभय ने आंसर किया है डी बहुत बढ़िया जूही ने किया है डी देवेंद्र ए रवि पटेल डी शिवहर डी अर्जुन सी, सरनजीत डी सतीश सी योगेश डी इप्सिता डी फुलेश्वर शाहू डी ई डी ई दोनों सतीज पटेल डी वेरी गुड बहुत बढ़िया और नेहा दोपे ए ओके okay. देखिए यहां अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आपका आंसर जो डी है वो क्या है, है. क्योंकि इसका मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो फूल होता है फ्लावर है उसके अंदर आपका चाहे सेल्फ पोलेटेड क्रॉप है या आपकी क्रॉस पोलेटेड क्रॉप है उनके अंदर क्या होता है कि हम आपके जो मेल होते हैं या यूं कह सकते हो पोलन जो

हम बात करेंगे तो ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन फोर लाइन इन कॉन्टिन्यूस फ्लो इज को हम लोग क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं फोर में एक continuous flow में तो वो आपका किस प्रकार का यहां पर क्या रहेगा जो है method रहा तो ड्रिलिंग होगा या आपका प्लांटिंग होगा या आपका डिबलिंग होगा या आपका हिल ड्रॉपिंग होगा कम ऑन वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है मोस्टली इस बच्चों ने डी बिल्कुल सही था हृदय पवार का भी डी सही था इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आंसर आपका क्या होगा अर्जुन ने किया है सी अभय माली ने किया है ए इप्सिता ए जूही गुप्ता सी देवेंद्रा ड्रिलिंग अर्जुन ने ड्रिलिंग किया है अरे शिवहर ने डी ड्रिलिंग सॉरी एके देखिए जिन बच्चों ने भी अगर ड्रिलिंग आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपने डिबलिंग प्लांटिंग या हिल ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो आपका आंसर यहां पर है गलत है देखिए डिबलिंग का मतलब क्या होता है डिबलिंग का मतलब होता है जब आप एक डिजायर्ड के ऊपर आपका एक डिबलर की हेल्प से जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका डिबलर आप कंसिडर कर सकते हो इसमें मैंने क्या किया इतनी डिजायर्ड डेप्थ के ऊपर एक हॉल किया और उसमें सीड को प्लेस किया और उसको हमने कवर कर दिया तो ये आपका डिबलिंग होता है डिबलिंग ज्यादातर आपका जो बोल्ड सीडेड क्रॉप होती है उनके

एग्जाम की समझ है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी बात समझ है? चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है। इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड हैविंग है डाइवर्स एलि फॉर्म

प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं ऑन लास्ट क्वेश्चन का आंसर कई बच्चों ने गलत किया था इंप्रूव करिए बेटा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर किया है अभियर्जुन डी जूही गुप्ता डी इप्सिता डी सतीश पटेल डी अजीज पाल सिंह डी और शरणजीत सिंह डी गुड बहुत बढ़िया सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आंसर हमारा क्या होगा इसमें जरम प्लाजम कलेक्शन ठीक है चलिए गुड अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स स्पीशीज विद रिलेटिवली मोर टॉलरेंस टू सैलिनिटी कि यहां पर ऐसी आपकी क्रॉप के ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि यहां पर सैलिनिटी को क्या कर सकती है ज्यादा टॉलरेंट कर सकती है तो क्या आपका कैरेट अनियन या पल्सेस होगा बार्ले कॉटन या सैफ्लावर होगा काउपी कैबेज या आपका अनियन होगा या हमारा इसमें ऑप्शन होगा टोमेटो रेडिस या आपका ग्राउंडनट वेरी गुड बहुत बढ़िया तो इसमें से आंसर आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही होगा वेरी गुड री गुड अर्जुन का आंसर बी अजीज पाल सिंह बी 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 वेरी गुड शाबाश मोस्ट कॉमनली बच्चों का जो आंसर जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है आंसर क्या होगा आपका बार्ले कॉटन सफ्लावर लेकिन यहां पर क्यों नहीं होगा बाकी में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पल्सेस हमारी जो क्रॉप होती है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होती है एक प्रकार से सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होती है इनको सॉल्ट सेंसिटिव माना जाता है उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो आपका काउपी भी क्या है एक पल्सेस है तो ये भी काउपी कैबेज ये आपकी सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप होती है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टोमेटो आपका है या यहां पर ग्राउंडनट है तो ये भी आपकी क्या होती है सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप होती है आपको पता होगा अगर ग्राउंडनट के फील्ड में अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा Sorry, आपका आ, सोडियम बहुत ज़्यादा है है तो उस में ये क्रोप आपके नहीं कर सकती यानी कि कंडीशन के अंदर जो है इस क्रोप को नहीं करवाया जा सकता तो यहां पर आपका बार्ले हो हो गया, कोटन हो गया, हो गया ऐसी है जो आपकी मोस्ट टॉलरेंट मानी जाती है किस रिस्पेक्ट में सोल्ट तो सा होगा आपका? Next, अगर हम बात करेंगे, तो आपका अगला क्वेश्चन है Acidity is the mostly produced by replacement of which ion by H ion. यानी कि आपका जब हम एसिडिटी की बात करेंगे यानी कि सोयल है एक नॉर्मल सॉइल में जब एसिडिटी उसके अंदर प्रवेल कर रही है एसिडिटी उसके अंदर आ रही है और आपका वहां पर जो प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है उसमें किस प्रकार के जो आपके आयन है या किस प्रकार के जो आपके वहां पर मोस्टली आयन होंगे जिनको रिप्लेस किया जाएगा हाइड्रोजन आयन के द्वारा क्योंकि आपको पता होगा सोयल एसिडिटी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है काफी ज्यादा होती है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो आपके सोल्ट है या कौन कौन से ऐसे आपके यहाँ पर कंटेंट uh, है जिनको क्या किया जाएगा मोस्टली रिमूव किया जाएगा ऐसी कंडीशन में तो आप लोग जल्दी से बताइए कि यहां पर आंसर क्या हो सकता है गुड पिछले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही किया था इसका आंसर कुछ बच्चों ने बी किया है कुछ ने सी किया है वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड अर्जुन भी अभय मालिसी रवि भी अजीज पाल भी रवि पटेल भी शरणजीत सिंह भी सु नंदी भी रवि भी अजीज पाल जोही गुप्ता सी देखिए अगर आपने आंसर यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम किया है क्योंकि आप लोग जानते होंगे नॉर्मल सॉइल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो आपके या बायोकार्बोनेट कंपाउंड होते हैं उनको क्या किया जाता है रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आपका हाइड्रोजन आयन तो यहां पर जो कैल्शियम और आपका जो मैग्नीशियम है इनको क्या किया जाएगा रिप्लेस किया जाएगा विद आपका हाइड्रोजन ठीक है तो ये आपके एक प्रकार से स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होते हैं यहां पर कैटाइन होते हैं आफ्टर बिफोर दैट आपका हाइड्रोजन ठीक है तो हाइड्रोजन के बाद जो है अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट में से माने जाते हैं तो इनको क्या किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा ठीक है तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आपके होते हैं इनके द्वारा क्या कर, इनको क्या कर दिया जाएगा रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा आपका हाइड्रोजन के द्वारा ठीक है तो ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही है अदरवाइज आंसर आपका गलत है गुड अब यहां पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और क्वेश्चन

टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवॉर तो आप जल्दी से बताइए कि यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन मोस्ट शूटेबल होगा ठीक है तो यहां पर आपका पहले क्या होगा क्या आपका इसमें पहले ऑप्शन दिया गया है देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर वन च्यू और ये पहला ऑप्शन या तो फोर्थ को माना जा रहा है या फिर आपका सेकंड को माना जा रहा है फोर्थ क्या है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट और दूसरा ऑप्शन यहां पर क्या है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कि इसके अंदर आपका क्या होगा वेरी गुड कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया अजीज पाल ने ए आंसर किया है अभय माली ने डी किया है वेरी गुड ओके, okay. होगा. Uh, होगा, फिर सिलेक्शन होगा फिर क्रोस हाइब्रिडेशन टेस्टिंग कमर्सेशन ऑफ न्यूकल्टीवार वेरी गुड देखो वी तो सब में आपका लास्ट में ही है तो डेफिनेटली ये आपके लिए यहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं है ठीक है और थर्ड यहां पर आपने इसमें अगर कर रहे हो तो आपका सेकंड लास्ट है और इन दोनों में कर रहे हो तो आपका यहां पर है सेकंड लास्ट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या होता है सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेशन तो क्या ये आपका फर्स्ट में जाएगा या आपका थर्ड में जाएगा कि इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स तो पेरेंट्स का सिलेक्शन कब करते हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पहले करोगे या लास्ट में करोगे सॉरी uh, आपका क्रॉस हाइब्रिडेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स तो यहां पर किस प्रकार से किया जाएगा कब किया जाएगा वेरी गुड देवेंद्रा ए अजीज पाल सिंह ए जूही गुप्ता ए, एप्सिता गौड़ा बी रवि पटेल पी। कम ऑन। आपका आंसर यहां पर अगर आपने ए सॉरी आपका अगर किया है आपने सी तो यहां पर क्या है फर्स्ट आपका होगा कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज वेरी गुड है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऑफ ऑफ एंड सिलेक्शन पेरेंट्स पेरेंट्स तो आपका parents को select किया जाएगा फिर उसके बाद थर्ड यानी कि क्रोस द अमंगक्टेड पेरेंट्स ये किया जाएगा फिर आपका क्या होता है कि सुपीरियर और आपका जो यहाँ पर रिकम्बिनेट होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा उनकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग करने के बाद उनको रिलीज किया जाएगा एज ए कमर्शियल आपका कल्टीवॉर तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है रिकमेंडेड और फिफ्टी फाइव किलोग्राम और यहां पर फोर्टी टू फिफ्टी किलोग्राम या आपका यहां पर टेन टू फिफ्टीन किलोग्राम पर हेक्टेयर कम ऑन बोल्ड सीड होता है इसका आप लोग जानते हैं अच्छे से तो आप लोग जल्दी से बताइए कि ये आपका क्या रहेगा रवि पटेल ने ए किया है राजकुमार ए अजीज पाल ए सरनजीत सिंह ए प्रियंका वर्मा ए अभय माली ए सुचंदा ए गुड बहुत बढ़िया

तो so, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो में आपको इतना समझना चाहिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं एक सीक्वेंशियल और आपके स्पेशल अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट जो आपका क्रोप का किया जाता है फील्ड के अंदर लेकिन उसके साथ में अगर लिखा होता कि अरेंजमेंट के साथ हम जो है आपके बाकी फैक्टर्स को इंट्रैक्ट करवा पा रहे हैं तो जब इंट्रैक्शन की बात आएगी और खासकर क्रॉप की बात आएगी तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है फार्मिंग सिस्टम का क्रॉपिंग सिस्टम का क्रॉपिंग पैटर्न का इसको समझना बहुत जरूरी है तो क्रॉपिंग पैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके एक पैटर्न सिस्टमेटिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि, कि किस प्रकार से कितना प्रपोर्शनल ऑफ एरिया किसी क्रॉप को दिया गया है किसी क्रॉप को कल्टिवेट करवाया गया है उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन ऑफ एरिया में वो हमारा रिप्रेजेंट करता है क्रॉपिंग पैटर्न को क्रॉपिंग सिस्टम रिप्रेजेंट करता है जब किसी पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वहां पर जो आपके अवेलेबल रिसोर्स है उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए और आपका गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में जब आप क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्शन करते करते हो एक करते हो एक ऑप्टिमम उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्रॉपिंग सिस्टम लेकिन जब आपकी बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर वहां पर और स्पेशल अरेंजमेंट है तो ये जो अरेंजमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपका क्रॉपिंग पैटर्न के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा होगा वो क्या होगा आपका सी होगा क्रॉपिंग पैटर्न होगा लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम कब हो सकता था जब यहां पर ये दिया जाता कि सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फेलो ऑन ए गिवन एरिया विद इंट्रैक्टिंग फॉलोइंग फैक्टर्स देन आपका वहां पर एक गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो आपका हमेशा याद रखना कि क्रॉपिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है लेकिन फार्मिंग सिस्टम क्या होता फार्मिंग सिस्टम वहां पर बोला जाता कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ बाकी आपके जो एलाइड सेक्टर को फॉलो किया जा रहा है और उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में वहां पर आपका जो है ग्रो करवाया जा रहा है तो उसके इसमें हम उसको बोलते फार्मिंग सिस्टम ठीक है सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम क्या होता जब बोला जाता कि भाई प्रॉपरली आपका जो है एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम को बैलेंस कर करते हुए और आप जो है प्रॉपर आपका वहां पर जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस है उनको इंटेग्रेटली ग्रो करवा रहे हो इंटेग्रेटली आपका यूज कर रहे हो तो उस में हम उसको क्या बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट आपका यहां पर है अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैच द है और मैच द है किसका रेनफॉल का और आपका यहां पर क्लाइमेटिक रीजन का तो लेस देन 500 कहा होगा फाइव हंड्रेड टू से होगा सेवन फिफ्टी टू वन थाउजेंड कहां पर होगा और मोर देन वन थाउजेंड कहां पर होगा बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अगर हम बात करें तो लेस देन फाइव हंड्रेड कहां पर देखने को मिलता है आपका एरिड रीजन में फाइव हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड कहां पर होता है आपका ये हमारे सेमी एरिड में तो यहां पर आपका ए पी और जब हम बात करेंगे सी की तो 752 आपका 1000 है तो ये हमारा वन और इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो आपका फोर्थ तो ये देखो सिंपल सी बात है D4, अगर हम बात करें तो ए की ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है सी है तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है बी के साथ मैच कर रहा है हाँ कर रहा है ए के साथ तो कर ही जाएगा जब तीन ऑप्शन मैच कर चुके हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहां पर क्या होगा बी तो अगर आपने बी किया है तो सही है

हो सकता है कि जिसके द्वारा क्या होगा कि नेक्स्ट जो सक्सेडिंग क्रॉप होगी वो प्रॉपर ग्रोन नहीं कर पाएगी तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका जो यहां पर वीट है या चिकपी है या सोरगम या सनफ्लावर है तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका सोरगम क्योंकि देखो सोरगम है मेज है एक तो आपका सोरकेन है ये तीन आपकी ऐसी क्रॉप होती हैं जि, जिनका रूट जो होता है वो अगर आपका अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर देता है नाइट्रोजन जो अवेलेबल होती है उसको मैक्सिमम आपका एब्जॉर्ब करते हैं तो यहां पर उसकी वजह से से हम इनको एक प्रकार कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि ये आपका जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिंग क्रॉप भी होती है। लेकिन इसके साथ में ये कंसिडर करना पड़ेगा कि इनकी रूट से कुछ केमिकल भी आपके रिलीज होते हैं जो सक्सीडिंग क्रॉप की जर्मिनेशन के लिए क्या होते हैं हार्मफुल भी होते हैं तो यहाँ पर यह आंसर आपका क्या होगा सी नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चीपेस्ट एंड ईजिली मैन्यूपलेट्रेटेबल सोई मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक सुटेबल फॉर द रेनफेड वर्टीसोल हैविंग द स्लोप ऑफ लेस देन 1 परसेंट कि आपका स्लोप है लेस देन 1 परसेंट है और

जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या इसमें से आपका सूटेबल आंसर क्या होगा वेरी गुड अरे बेटा बेंच टेरेसिंग कहां यूज करते हैं जहां पर आपका जो है मेनली याद रखना स्लोप जो होता है वो मोर देन आपका अप्रोक्सीमेटली कितना होगा यानी कि टेन परसेंट या एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट स्लोप के नियर अबाउट जो चला जाता है तो वहां पर हम लोग क्या फॉलो करते हैं आपका बेंच टेरेसिंग फॉलो लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये 16 मल्चिंग तो क्या होता है या आपका सोयल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे जहां पर आपकी क्या होती है ड्राईलैंड कंडीशन होती है तो देखो इसको भी आप लोग यूज नहीं करोगे ये गलत है बेटा आपका नेक्स्ट आपका अगर कंपार्टमेंटल बंडिंग Or reason for all. तो देखो आप हमेशा याद रखना कि यहां रिजेंड फ्रो मेथड जो है आपका मोस्ट सुबह जाएगा आपका रीजन क्या होता है कि हम इसको रीजन फरो में क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होगा रेनफेड कंडीशन है सोल, सोयल है सोल सोइल तो इसमें मॉइस्चर ज्यादा होने के बाद तो आपका जो ज्यादा मॉइस्चर होगा उसको कहीं ना कहीं हमें एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव भी करना पड़ेगा और एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस आपका निकाला जाए तो रीजेंट फ्रो में हमारा क्या होता है कि जो आपका प्लांट होगा वो एक प्रॉपर हाइट पर ग्रो करेगा रीजेस के ऊपर ग्रो करेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन भी नहीं बनेगी और जो आपका उसको भी वहाँ पर क्या किया जाएगा रीजन फोर में ग्रो करवाया जाता है ये हमेशा याद रखना जैसे नॉर्मली नौ, आप लोग कॉटन को ग्रो करवाते हो ऐसे एरियाज में समझ में आया चलिए नेक्स्ट आपका है वी एफिड इज एन इंसेक्ट पेस्ट कोज मच डैमेज इन क्रॉप तो आपका शुगर केन होगा अनियन होगा कॉटन होगा या फिर आपका वीट होगा चलो गलत किया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आगे से तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि आप लोग क्या करने जा रहे हो देखो यार ड्राईलैंड में रेनफेड इनमें इन बहुत आपका बहुत सोच समझ के हमें आंसर करना पड़ता है और मैं बार बार इनको बोलता हूं कि बेसिक चीजों के कॉन्सेप्ट आप जरूर याद करो मल्चिंग का मतलब क्या है मल्चिंग किसके लिए यूज किया जाता है ठीक है आपका अगर हम बात कर रहे हैं कवर क्रॉप तो कवर क्रॉप का मेन मोटिव क्या है वहां पर ग्रो करवाने का ठीक है इसके साथ में जो हमारे अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है इन टर्म्स का मीनिंग क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कम ऑन तो यहां पर अरे बेटा जी अनियन में नहीं होता वोली एफिड आपका शुगर केन में अटैक करता है पता है महान आत्माओं अगला क्वेश्चन है ए प्रैक्टिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इन विच ए सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड एक एनिमल हस्बेंडरी का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आपका सुपीरियर मेल ब्रीड है और दूसरा आपका सुपीरियर फीमेल ब्रीड है दोनों को आपस में जो क्रॉस करवाया गया है वो हमारा क्रॉस करवा के हम लोग जो एक अनदर ब्रीड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार का क्रॉस बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग या इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग देखो सिंपल सी बात है दो अलग अलग स्पीसीज में जो ब्रीडिंग किया जाता है वो हमारा क्या होता है आपका इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग होता है ठीक है और जब भी हम लोग किसी प्रकार से एक आपका सुपीरियर मेल ब्रीड को सुपीरियर फीमेल साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका क्रॉस ब्रीडिंग तो ये ब्रीड आप लोग नॉर्मली देखते हैं जैसे आपका होलसेन फिजन है और यहाँ पर आपका जो है आ, थार पार्कर है या रेड सिंधी है इनको आपस में जो क्रॉस करवाया जाता है तो वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारी क्रॉस ब्रीड ही होती है ठीक है आप लोग नॉर्मली जो देखते हैं क्रॉस ब्रीड जैसे एनडीआरआई में प्रोड्यूस की जाती है आई में की जाती है ठीक है तो ये हमारी क्या होती है आपकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है नेक्स्ट अगर हम बात तो अगला क्वेश्चन आपका है कि वट इज द ट्रू गोल फॉर द फार्म मैनेजमेंट एट द फार्मर लेवल जब फार्मर लेवल पर हम लोग आपका फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो उसका मेन या मोटिव या ट्रू गोल क्या होता है क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, होता है या आपका रिसोर्स यूज ऑप्टिमाइजेशन होता है या, या ये आपके उपरोक्त सभी को यूज किया जाता है कम ऑन जल्दी से बताइए वेरी गुड पिछले क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों ने किया था इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए वेरी गुड वीना ने डी किया है अजीज पाल ने डी किया है देवेंद्रा ने डी किया है इप्सिता ने भी डी बहुत बढ़िया काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है और आंसर यहाँ पर क्या है आपका डी देखो तो सिंपल सी बात है आपका फार्म मैनेजमेंट करने का मतलब है कि जो हमारा वहाँ पर प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए कम होनी चाहिए और रिसोर्स यूज है यानी कि जो हमारे रिसोर्स है इनका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएं ऑप्टिमम यूटिलाइज करने का मतलब है कि जितनी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें और उनका एक्सप्लोर्टेशन होने से हम लोग क्या कर सकें उसको रोक रोक सकें तो वो हमारा क्या होता है रिसोर्स यूज ऑप्टिमाइजेशन होता है तो इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग एक प्रॉपर आपका फार्मर का इनकम जो है वो इंक्रीज कर पाए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली बेस्ट तो इन

की बात करेंगे तो ये आपका स्मर्ट कोस करता है ये भी बिल्कुल सही है। की बात करेंगे तो ये भी आपका डाउनी मिल्ड्यू कोस करता है नेक्स्ट अगर हम फ्यूजोरियम की बात करेंगे तो ये नॉर्मली आपका वेल्टिंग कोस करता है लेकिन जो ब्लास्ट डिजीज होता है जैसे राइस की बात कर रहे हैं हम लोग तो रा, राइस के अंदर जो ब्लास्ट डिजीज है मेनली किसकी वजह से होता है आपका पायरी क्लेरिया और वजह से होता है किसकी वजह से होता है पायरी क्लेरिया और उसकी जो परफेक्ट स्टेज ये वो आप किसको मानते हो मैग्ना पोर्थे और आइज़े ठीक है तो ये यहां पर आपका जो गलत है जो इनकरेक्ट मैच है वो कौन सा है आपका ब्लास्ट है तो ये आपका यहाँ पर क्या रहा बिल्कुल सही रहा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि डैश ऑफ फूड ग्रेन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपलर स्टार्च तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन क्या है कि यहां पर फूड ग्रेन जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है स्टार्च का सिंपलर स्टार्च के अंदर तो इसमें से किस प्रोसेस में होगा रोस्टिंग में होगा स्प्राउटिंग में होगा बॉइल में होगा या फिर आपका फ्राइंग में होगा कम ऑन वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड 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 बी स्प्राउटिंग देखो जर्मिनेशन एक तो प्रकार से स्प्राउटिंग होता है ना जो आप लोग भिगो कर रख देते हो ठीक मॉर्निंग में आपका तो वो आपका सिंपलर जो एक प्रकार से फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा प्रोसेस क्या होता है स्प्राउटिंग ठीक है चलिए गुड तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिली होगी और इसी प्रकार से आप लोग सेशंस के साथ बने रहा करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी मैक्सिमम बच्चों के शेयर करो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके साथ कम से कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करें डिस्कस करें लेकिन हर रोज़ एटलीस्ट आपके कुछ क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कशन करने का हमेशा टारगेट रखा ही जाएगा मैं चाहता हूँ अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई है लेकिन मैं बार बार आपको हर रोज़ बोलता हूँ सिंपलर चीजों को कोशिश करिए कि समझने की और हां मैं एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं अगर आपको समझ में आ जाए देखो मैं एक एज टीचर हूं तो डेफिनेटली मेरा हक बनता है तुम लोग मानो ना मानो वो बाद की बात है <laughs> मैं इतना बोलना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में अपने खुद की वैल्यू को पहचानो बार बार देखो रोज बहुत सारे चैनल्स को यहां पर अगर हम बात करें तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इधर भी देख लेते हैं उधर भी देख लेते हैं देखो आप एक काम करो एक जगह पर स्टिक होकर

चीज में जो सीखा हूं इन सालों के अंदर जो इन चार साल में लगातार आपके सेशंस लेते हुए वो मैं सीखा हूं पेशेंस मैं पेशेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट टाइम में देखो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं मैं अपनी नेगेटिविटी को भी कहीं ना कहीं एक फीडबैक के तौर पर लेता हूं कि, कि किस प्रकार से मैं इसको इस 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 इंप्रूव कर सकता हूं तो बहुत बार जो आप लोग फीडबैक देते हो ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी होते हैं आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक को जरूर दिया करें ये हमारे लिए हमें इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हम लोग इन फीडबैक को नेगेटिव नहीं लेते हैं मैं आपको डायरेक्टली बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारे लिए आपका जो एक वैल्यूएबल फीडबैक है वो बहुत जरूरी है और बाकी जो आप लोग बात करते हो उनमें से अगर चीजें हम लोग कवर कर पाते हैं तो बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी इसके साथ एक बात और बोलना चाहूंगा कि कि आप लोग हमेशा कोशिश करिए अपने लेवल से को पूछो आप बताओ डेफिनेटली हम लोग भी इंप्रूव करेंगे आने वाले को और बेटर बना पाएंगे आप लोगों के लिए लेकिन फिर अगेन बोलूंगा कि तुम्हारा खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद में बिना जो आपके सिर पैर के सोर्सेस होते उनका मतलब वहां पर ना ऑथेंटिक बुक, तो बुक को लेकर आओ मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि अगर आपने मेरे को क्वेश्चन को गलत भी कर दिया ना तो डेफिनेटली गलत हो सकता है क्योंकि इतना कंटेंट पढ़ते तो कई बार हो सकता है कि हमसे भी गलत बोला गया नॉट ए बिग डील बट प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऑथेंटिक कंटेंट को पढ़ो और फिर हमारे पास उन चीज़ों को लेकर आओ हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं ठीक है थैंक यू सो मच आपका प्यार बना रहे और इसी के साथ आप लोग मेहनत करें डेफिनेटली प्लान पैथोलॉजी का लेक्चर भी जल्दी ही कर देंगे थैंक यू सो मच और बाकी आपका जो फीडबैक है थैंक यू सो मच लव यू ऑल गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स जय हिंद जय भारत